तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हो या फिर जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट सेम होता है, ठीक है। जीमेल अकाउंट जो आप जीमेल कहीं भी लॉगिन करते हो, यूट्यूब चैनल पे, मतलब हर एक फ़ोन में एक ना एक दो जीमेल होता ही होता है, ठीक है। बिना जीमेल का फ़ोन यूज ही नहीं कर सकते हो। कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना होगा तो आपको जीमेल आईडी बनानी ही पड़ती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी और का जीमेल यूज़ करते हैं या फिर किसी और का जीमेल अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिए, तो उसको अपने फ़ोन से हमेशा के लिए लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, अपने फ़ोन से मतलब एक तरह से रिमूव कैसे कर सकते हो। जीमेल आपके फ़ोन से लॉग आउट होकर रिमूव हो जाएगा, फिर दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, तभी लॉगिन होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूँ, उस जीमेल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस जीमेल को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, वो भी एक मिनट के अंदर। आप चाहें तो उस जीमेल को हमेशा के लिए डिलीट करके नया जीमेल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जानी है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आनी है, जो कि हर एक फ़ोन में सेटिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूजर एंड अकाउंट्स का, जो कि हर एक फोन में मिलेगा। अगर नहीं नीचे ऑप्शन मिलता है तो ऊपर यहाँ पे सर्च करके लिख सकते हैं यूजर एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो आप सर्च करके भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो मेरे में यहाँ पे मिल रहा यूजर्स एंड अकाउंट्स का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे को ऑप्शन मिलेगा गूगल का, ठीक है। आप गूगल पे क्लिक करेंगे, गूगल पे क्लिक करने के बाद से आपका सारा का सारा जीमेल शो हो जाएगा, जितने भी आपके फोन में जीमेल होंगे, एक हो दो हो, ठीक है। उसके बाद आपको जिस भी जीमेल को अपने फोन से हमेशा के लिए लॉग आउट या रिमूव करना है, आपको उस जीमेल पे क्लिक करनी है, ठीक है। जैसे मैंने इस जीमेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जीमेल क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको साइड में ऊपर दो बिंदी मिलेगा, ठीक है। तो आपको साइड में ऊपर दो बिंदी पे क्लिक करना है जो, और साइड में, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव अकाउंट, ठीक है। आप जैसे आप रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये जीमेल आपके फोन से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके फोन से हट जाएगा, आपका फोन में जीमेल रहेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपको दोबारा लॉग इन करने के लिए गूगल अकाउंट पर आपको फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे होम मिलेगा, फिर पर्सनल इन्फो मिलेगा, फिर इसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी का, तो आपको डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एकदम नीचे आते जाना, नीचे आते जाना, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट ए गूगल सर्विस, ठीक है। उसके बाद से नीचे और आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर, सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो जीमेल जो अकाउंट होता है वो गूगल अकाउंट ही होता है, सेम होता है, जो जीमेल आईडी होता है वही गूगल अकाउंट होता है, ठीक है। तो डिलीट योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद से आपको अपने जीमेल का यहाँ पे पासवर्ड डाल देनी है, ठीक है। आपका जीमेल का जो भी पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड लेगा। अगर आप पासवर्ड जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपने किसी भी जीमेल का पासवर्ड उससे जान सकते हैं। अगर भूल गए तो कंटिन्यू पे फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने जीमेल का पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे उसके बाद से आपको डिलीट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आपको रेडी कर लेना है दोनों ऑप्शन, फिर डिलीट अकाउंट का नीचे ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका जीमेल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी जीमेल को डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है।